नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदन में एकमत से रखा ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव ना लेने का प्रस्ताव। कंप्यूटर प्रशिक्षण घोटाले में की गई दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग। और आदिवासी हलवा समाज के लोगों ने हलवा समाज के मांगों के लिए किया मुंडन आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि शीत सत्र में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव ना लेने का प्रस्ताव एकमत से रखा गया है। साथ ही देश में आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते अब चुनाव भी आगे बढ़ाने पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो ओबीसी राजकीय आरक्षण का जो मुद्दा उठा था, उसका आज विधानमंडल में एक मत से ठहराव पारित किया गया है। और राज्य में जो भी अब इलेक्शन हो गए, लोकल बॉडीज इलेक्शन हो गए, वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो गए। इस तरह का एक मत से ठहराव पारित हुआ है। और इस बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि कोरोना के चलते हुए चुनाव आगे बढ़ाए जाए, उसी का आधार लेकर राज्य में भी एम्पिरिकल डाटा मागास आयोग से तैयार किया जाए। और जैसे ही अब विरोधी पक्ष नेता जो विधानमंडल के हैं, उन्होंने कहा था कि 2019 में उन्होंने जो एम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकार में है, जो उन्होंने मैंने खुद ने देखा है, ऐसा जवाब दिया था राज्य सरकार की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री को, वो डाटा देखने को मिलना चाहिए, ये भी मांग राज्य सरकार के माध्यम से की जाएगी। जिला परिषद नागपुर के महिला व बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा लिए गए कंप्यूटर प्रशिक्षण घोटाले संबंध में विधायक टेकचंद सावरकर ने विधान भवन में सबूत के साथ प्रश्न उपस्थित किया। संबंधित विभाग के अधिकारी पदाधिकारी साथ ही ठेकेदार पर मामला दर्ज कर अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की गई। इस पर 15 दिन में जांच कर कार्रवाई करने की बात ग्राम विकास मंत्री ने कही। अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाचा जे महत्त्वाचा विषय आहे, यामध्ये 100% जे लाभार्थी होते विद्यार्थिनी ह्या बोगस होत्या, त्याचे सर्टिफिकेट माझ्याकडे आहे। यांनी जे जिल्हा परिषदने जे सर्टिफिकेट इश्यू केलेले आहेत, त्या 2021 चे आहेत। त्या संदर्भामध्ये पंचायत समितीचे जे महिला बाल कल्याण अधिकारी आहेत, त्यांनी पण लिहून दिलंय की या वर्षामध्ये त्या ठिकाणी प्रशिक्षणच झाला नाही। त्यानंतर जे लाभार्थी आहे, ह्या लाभार्थी एक माझ्या गावचे पण 15 लाभार्थी आहेत सर, आणि त्या ठिकाणी 15 लाभार्थी ते माझ्या गाव दाखवला पण तिथले आहेतच नाही। दुसऱ्या ग्रामपंचायतला मी पत्र देऊन विचारला तर त्यांनी पण सांगितलं की हे माझ्या गावचे लाभार्थी नाही, 100% खोटे लाभार्थी आहेत, माझ्याकडे प्रूफ आहे। आणि यांनी 2021 सर्टिफिकेट बनवलेले आहेत जिल्हा परिषदनं, आणि ह्या त्यांच्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट 2018 त्या मुलींनी प्रशिक्षण घेतला स्वतः, आणि त्या मुलीचा फोटो पहा तुम्ही किती वर्षाचा आहे, आणि यांनी दिलेला फोटो पहा तुम्ही किती फरक आहे। हे विद्यार्थी आहेत, ह्या गृहिणी आहेत। एवढा बोगस कारभार नागपूर जिल्हा परिषदनं त्या ठिकाणी केलेला आहे। आणि अध्यक्ष महोदय, या सर्व गोष्टीमध्ये आपण अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी निलंबित करणार का, पदाधिकारी ऍड आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार का, आणि कंत्राटदारावर FIR करणार का? मी अध्यक्ष महोदय, हे सर्व ओरिजिनल कागदपत्र आहेत। हलवा एल्गार महामोर्चा के अनशनकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में मुंडन आंदोलन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकर्ता उपस्थित थे। केंद्र शासन मुर्दाबाद। अरे
आदिवासी हलबा समाज के हलबा एल्गार महामोर्चा के जगदीश खापेकर के नेतृत्व में समाज के मांगों को लेकर आक्रोश जताते हुए नागपुर के झाड़े चौक पर चल रहे अनशन स्थल पर सरकार के विरोध में आदिवासी हलबा समाज के लोगों ने मुंडन करके विरोध जताया। इस आंदोलन में श्रावण खापेकर, ओम प्रकाश पवनीकर, गजानन भनारकर, राजू बोकड़े ने मुंडन किया। अनशनकर्ता रवि पवनीकर, रवि पराते, दुर्गेश पारखेड़कर, दीपक देवघरे, शुभम पवनीकर, पुरुषोत्तम सेलोकर, विलास पराते, प्रेमलाल भांतकर, राजू धकाते, चेतन निखारे, अश्विन अंजीकर, मोतीराम मोहाड़ीकर, दीपक उमरेटकर, आशीष गढ़ीकर, विनोद पवनीकर उपस्थित थे। सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने भी मुंबई विधानसभा परिसर में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वे सदन में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव ना लेने का प्रस्ताव रखेंगे। इस पर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष ने एकमत से समर्थन देना चाहिए ताकि ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव ना लिया जाए। देखिए, ओबीसी के बारे में जो जैसे महाराष्ट्र के बारे में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, ओबीसी को रिजर्वेशन के बिना सारे इलेक्शन दिया जाए जब तक ट्रिपल टेस्ट पूरी नहीं होती, अब वही जो निर्णय मध्य प्रदेश के बारे में आया, आगे फिर ओडिशा के बारे में भी वही जजमेंट आया, और इसलिए ये जो हो रहा है कि सारे देश भर में जहाँ 54% ओबीसी है उनको पंचायत समिति में आरक्षण नहीं मिलेगा, 5 साल के लिए वो इस संस्था के बाहर रहेंगे, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तो ये सारा जो है ये वास्तव जो सामने आया, तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है और उसमें उन्होंने ये प्रार्थना की है सन्मान्य कोर्ट को कि 4 महीने के लिए सारे इलेक्शन पंचायत समिति के देश भर के ये पोस्टपोन किए जाए, आगे ढकेले जाए, और तब तक सारे राज्यों को ये डाटा, ट्रिपल एम्पिरिकल डाटा वगैरह जमा करने के लिए समय दिया जाए। तो उस रिव्यू पिटीशन को सपोर्ट करने में हम भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से हम भी शामिल होंगे, उसके पेपर हम तैयार करेंगे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई में शुरू शीतकालीन सत्र में चारों ओर से ओबीसी आरक्षण देने की मांग उठ रही है। वहीं राहत व पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने भी ओबीसी आरक्षण देने की मांग की। उनका कहना है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं लिए जाए, चुनाव को आगे बढ़ाने की भी मांग उन्होंने की। आणि त्याबरोबरच महाविकास आघाडीतील ओबीसी नेत्यांना बदनाम करून स्वतःची राजकीय पोळी बांधण्याचे षड्यंत्र विरोधकांनी रचलेला होता आणि तशी बदनामी पण सुरू केली होती। ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला त्यावेळेसच मी भूमिका मांडली होती की हा निर्णय देशाला लागू होईल, केवळ तो महाराष्ट्राला लागू होणार नाही। तर त्यावेळेस पिंगलतावाळी केली गेली। आता
आज हे सिद्ध झालं आहे की या देशातील आज 8 राज्यापुढे ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न उभा झालेला आहे. मध्य प्रदेशच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने तो विषय असेंब्लीपुढे आणलेला आहे विधानसभेचा ठराव घेण्यासाठी. आणि विधानसभेचा ठराव जर उद्या विधानसभेचा ठराव करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार का पुढे आली, कारण तिथला ओबीसीचं आरक्षण हे संपलेलं आहे. आजचा विषय आम्ही या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये ही आमची भूमिका काल होती, आजही आहे, आमच्या पक्षाची आहे, महाविकास आघाडी सरकारची आहे की आरक्षणाशिवाय ओबीसीचा घेऊ नये. म्हणूनच आम्ही आता असेंब्लीच्या पुढे विधानसभेच्या फ्लोअरवर जातो आणि या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 6 महिने पुढे ढकलाव्यात आणि तोपर्यंत आम्ही आमचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करू. आता हे सर्व मला वाटतं की देशातील सर्व राज्यांना आता करावं लागणार. म्हणून मलाही आशा वाटते की महाराष्ट्राचा विषय होता त्यावेळेस आम्हाला कात्रीत पकडण्याचं काम झालं. आता सुप्रीम कोर्टामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देशाचा विषय आल्यामुळे आणि उशिरा का होईना, केंद्र सरकारला सद्बुद्धी सुचली, देवानी दिली सद्बुद्धी आणि म्हणून सुधारित एफिडेव्हिट केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केलेला आहे. मला एवढा मला मी आरोप नाही करत, पण हाच एफिडेव्हिट पुढे दिला असता तर महाराष्ट्राच्या राज्यातील ओबीसीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय आला असता, तो पॉझिटिव्ह आला असता असा मला विश्वास आहे. पण आता उशिरा दिल्यामुळे मला आता विश्वास नव्यानं असा वाटतोय की केंद्र सरकार नक्कीच आपल्या सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच या संदर्भात, कारण देशाचा विषय आल्यामुळे त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार होईल किंवा त्या निर्णयात काही सुधारणा होईल, तो 18 तारखेला निर्णय आहेच अपेक्षित या महिन्यामध्ये, डिसेंबर आपल्या जानेवारीमध्ये. म्हणून मला वाटतं ह्या विषय संपेल आणि ओबीसीचं आरक्षण टिकेल आणि आम्ही तर ती मागणी पुढे नेतोच आहोत. 6 महिने पुढे ढकलण्याचा आमची तयारी आहे, आम्ही मागणी करतो आणि त्याबरोबर विशेष म्हणजे हे संपूर्ण झाल्यानंतरसुद्धा इम्पेरिकल डेटा त्या कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याचा गोळा करण्याचा निर्णयसुद्धा आम्ही करतो. भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय गढ़चिरौली के संयुक्त तत्वावधान में खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसके तहत महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय आष्टी के धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र को माध्यमिक विभाग गढ़चिरौली के शिक्षणाधिकारी ने शिविर को भेंट दी. शिविर के दौरान धनुर्विद्या प्रशिक्षण की जानकारी हासिल की, साथ ही प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया. उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय फुलजेले, प्राचार्य विठ्ठल निकुले, प्राध्यापक श्याम कुर्डे, प्राध्यापक डॉ. भारत पांडे, प्राध्यापक डॉ. गणेश खुणे, प्राध्यापक गजभिये, प्राध्यापक बोबाडे, राज लखमापुरे, निलेश नाकाडे, दिलीप मडावी, एम. डी. मुस्ताक, संजीत बछाड, विनोद तोरे, अलीउल्ला खान पठान, साथ ही प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी उपस्थित थे. आरवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने मुंबई में शुरू शीत सत्र में किसानों की विभिन्न मांगों के लिए आवाज उठाई. विधायक का कहना है कि किसानों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाए, वर्धा जिले में जलापूर्ति की समस्या दूर की जाए, साथ ही किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग उन्होंने की. आरवी विधानसभा मतदार संघामध्ये आजच्या परिस्थितीमध्ये आमचा शेतकरी गेल्या 2 वर्षापासून अडचणीत आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, कोळमाशी अशामुळं पूर्ण पीक त्यांचे उद्ध्वस्त झालेले आहेत. त्याला काहीतरी मदत मिळाली पाहिजे हे मागणी आमची सदैव आहेच, परंतु शेतकऱ्यांना आज वीजमाफी मिळण्याची गरज आहे. त्यांच्या दररोज तो शेतामध्ये जातो, वीज बंद आढळते, विजेची कापणी केली जाते, म्हणून त्याला दररोज विजेची कापणी न करता थकीत वीज बिल एकतर माफ केलं पाहिजे आणि दररोज त्याला विजेचं बिल माफ करून त्याला वीज दिला गेली पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या शेतामध्ये आज गव्हाचं पीक उभं आहे, त्यांच्या शेतामध्ये आज चण्याचं पीक उभं आहे, भाजीपाल्याचं पीक उभं आहे. असं असताना आज अडचणीत सापडलेला शेतकरी, वीज खंडित केल्यामुळं अडचणीत सापडलेला आहे, म्हणून त्यांचं सरसकट थकीत वीज बिल माफ करावं ही पहिली मागणी आहे. 2019 या राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आरवी शहराकरिता 25 कोटीचा निधी मंजूर केला.
तो निधी जिल्हाधिकाऱ्याच्या माध्यमातून सर्व अटीची पूर्तता करून नगरविकास विभागाकडे प्राप्त झालेला आहे। अनेक वेळ मागणी केली, पत्रव्यवहार केले, प्रश्न तारांकित प्रश्न टाकले, परंतु तो निधी अजूनपर्यंत निर्गमित केला गेला नाही। ही मागणी दुसरी, तिसरी मागणी आरवी विधानसभा क्षेत्रामध्ये नगरपंचायत आष्टी आणि नगरपंचायत कारंजा या दोन नगरपंचायती नव्यानच मंजूर झालेल्या आहेत। दोन्ही ठिकाणी पाण्याची तीव्र टंचाई आहे। 10-10, 15-15 दिवस गढूळ पाण्याचा सामना करावा लागते, पाणी मिळत नाही। अशा अवस्थेमध्ये आष्टी शहरालाच लागून जो अप्पर वर्धा प्रकल्प आहे, केवळ 7 किलोमीटरवर आहे, त्या अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरवरून पाईपद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा योजना व्हावी ही माझी मागणी आहे। तसंच कारंजा शहराला लागूनच कार नदी प्रकल्प आहे, 15-15 दिवस त्याही ठिकाणी गढूळ पाणी मिळते आहे, पाणी मिळत नाही। म्हणून सर्व जनता त्रस्त आहे पाण्यापासून, बाहेर गावावरून पाणी आणावं लागते। अशा अवस्थेमध्ये कार प्रकल्पाची खोलीकरण करून कार प्रकल्पावरून त्या ठिकाणी शुद्ध पाणी पाणीपुरवठा योजना मंजूर करावी, कारण ज्या शहराचा जनता म्हणजे या पाण्यापासून जे वंचित आहे तो पाणीपुरवठा निश्चित होईल, ही आमची तिसरी मागणी आहे। या मागण्या पूर्णत्वास आपल्या माध्यमातून पूर्णत्वास जावे ही प्रामाणिकपणे माझी इच्छा आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय विदर्भ। नागपुर में सोमवार 27 दिसंबर को 12 मरीज कोरोना संक्रमित पाए जाने से एक बार फिर शहरवासियों के लिए चिंता का विषय है। वहीं आज मौत का आंकड़ा शून्य पर रहा, जो नागपुरवासियों के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है। और साथ ही आज 7 मरीज कोरोना मुक्त भी हुए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।